हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैंने बनाया था चीज़ स्लाइस पराठा, सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं। आप भी ज़रूर ट्राई करें एक बार अपने यहाँ पे। तो जैसे हम नॉर्मली आटा लेते हैं पराठे बनाने के लिए घर पे, जो आलू का पराठा प्लेन पराठा बनाते हैं, वैसे हमें ये भी बनाना। तो वैसे हमने एक आटा लिया है और मैंने एक लोई लिया है, उसको हम गोल करेंगे और उसको हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा बेल लिया है, थोड़ा बड़ा बेल लिया है ताकि स्लाइस जो है वो अच्छे से यहाँ पे रख दूँ और वो अच्छे से कवर हो जाए। तो उसके बाद हमने बेल के हम हल्का सा घी लगाया है ताकि जो हम जो मसाले लगाएं वो इस पे अच्छे से लग जाए। तो घी लगाने के बाद मैंने इस पे एक चुटकी मिर्ची पाउडर लिया है, और अगर आपने आटे में नमक नहीं डाला तो एक चुटकी नमक ले लेना। और उसके बाद मैंने एक चुटकी हल्दी लिया है इसमें। उसके बाद आपके पास और भी जो भी मसाले हों आप डालना। मेरे पास ऑर्गेनो पाउडर था, मैंने वो डाला है ऑर्गेनो, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें अच्छे से हाथों से मसाले को और घी को मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने चीज़ स्लाइस लिया है। चीज़ स्लाइस हम इसमें रखेंगे और चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे। जब हमारा पराठा कवर हो जाए उसके बाद हम सूखा आटा में इसको डिप करेंगे और सूखा आटा हल्का सा डाल के इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। जब हमारा पराठा पूरा बेल जाए तो हमने मीडियम आंच पे तवे को गरम कर लिया है और हम पराठे को सेकेंगे अच्छे से दोनों तरफ से। मैंने पराठा डाल दिया और हमारा पराठा दोनों तरफ से मैंने सेका हुआ है, और मैंने घी यूज़ किया है इसको सेकने के लिए, लगाने के लिए इस पर। तो आप भी घी यूज़ करें, अगर घी नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हो, कोई भी जो आप खाते हो। तो मैंने घी में इसको दोनों तरफ से अच्छे से लगा के सेक लिया है। हमारा पराठा बनके रेडी है। आप इसे चटनी, सॉस या चाय के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो, आप ऐसे भी खा सकते हो। ये एकदम कुरकुरा बना है पराठा, और आप इसे इंजॉय करें, क्योंकि ये मसाला इसमें हमने यूज़ किया था तो पराठा नॉर खाली भी टेस्टी लगेगा, आप कुछ भी ना लें इसके साथ। और हम आप इसे इंजॉय करें। थैंक यू, बाय बाय।